अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको चिकन बिरयानी की रेसिपी सिखा रही हूँ। लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपको सिखाऊंगी वो बहुत ही जल्द तैयार करूंगी। तकरीबन मैंने 15 मिनट में दो चूल्हों पे काम किया और जल्दी से मेरे घर मेहमान आए हुए थे, मैंने 15 मिनट में ये रेसिपी तैयार की। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने लहसुन और जो प्याज और अदरक है इन सब को थोड़ा सा फ्राई कर लिया गोल्डन फ्राई कुकर के अंदर डाल के। जैसे ये गोल्डन फ्राई हो गए फिर इनको मैंने चॉपर में डाल के या ग्राइंडर में डाल लें, आप थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर, तो फिर इसको मैं ग्राइंड करूँगी। देखिए ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं इस तरह से, ये बिल्कुल पूरे हैं ये देखें। इनको मैं अब चॉपर में या फिर ये ग्राइंडर में मैं तो डालने लगी हूँ, ग्राइंडर में इसको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। देखें अब ये मैंने पेस्ट बना लिया था, फिर मैंने उसी ऑयल के अंदर वापस डाल के कुकर में और इनको अब मसाले के अंदर शामिल करने लगी हूँ, जो मैंने दूसरे मसाले ऐड करने हैं घर वाले। जल्दी तैयार करने के लिए मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ना कोई लंबे चोचले नहीं करने बैठ जाती, मैं जल्दी जल्दी बस इसका पेस्ट बनाती हूँ, फिर इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी और गर्म मसाला वगैरह डाल के सारा इसको फ्राई कर लेती हूँ इस पेस्ट को अच्छी तरह से। ये देखिए नाज़रीन, जो मैंने मसाले डाले हैं ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और इनकी जो मैंने मकदार डाली वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है, ये देखो सुरख मिर्च है, ये 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी थी, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून गरम मसाला। ये जो सारे घर वाले मसाले हैं जो मैंने घर से डाले हैं, इसके अलावा मैंने ये एक पैकेट लिया है छोटे वाला बिरयानी मसाले का, ये भी मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ना उसका लहसुन अदरक और प्याज का, इसके अंदर मैंने ये मसाले ऐड कर दिए हैं। अब इनको फ्राई थोड़ा सा करूँगी, जैसे ये थोड़े से भुन जाएंगे इसके अंदर फिर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। मैंने 1/2 kg चिकन लिया था। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा चिकन डालें तो अच्छी बिरयानी पकती है, लेकिन आप मसाला अच्छा बना लें तो आपकी बिरयानी अच्छी पक सकती है। बाज़ लोगों को कहना है कि जितना चिकन ज़्यादा होगा उतनी बिरयानी अच्छी पकती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप मसाला जो है ना वो अच्छा बना लें और आपकी बिरयानी बहुत ही मज़े की पकेगी। अब मैं इसके अंदर टमाटर और ये बिरयानी मसाला थोड़ा सा डालने लगी हूँ, ये जो मैंने चिकन लिया था। पर इसको मैं कुकर में सिर्फ 2 मिनट का वेट दूंगी ताकि जल्दी जल्दी ये गल जाए और मसाला इसके अंदर तक चला जाए। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी रखा हुआ था, ये देखें ये चावलों का पानी बॉईल हो चुका है। इसके अंदर मैं नमक और साथ में 1 टेबलस्पून के हिसाब से घी डाल रही हूँ, और फिर इसके अंदर चावल डाल के तो इसको बॉईल कर लूँगी। और ये देखें मसाला कुकर में से मैंने निकाल के कढ़ाई में डाल लिया था क्योंकि उसमें नज़र नहीं आ रहा था। ये मसाला देखें कितना मज़े का और कितना थिक सा बन चुका है, और ग्रेवी देखें इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी शाइन वाली है। अब इसको जब मैं चावल बॉईल हो चुके होंगे तो फिर इसके अंदर फिर इसको मैं तहों की शक्ल में लगाऊँगी। ये चावल मैंने बॉईल कर लिए थे, अब मैं चावलों की एक तह चावलों की लगाऊँगी और एक ऊपर जो है वो चिकन की लगाऊंगी जो मैंने फ्राई किया हुआ है कोरमा, जो मैंने इसके ऊपर डालने के लिए बनाया था ना। ये इसकी जो मसाले की थिकनेस है ना इसकी वजह से इसका टेस्ट बढ़ता है। अगर आप मसाला जितना मज़े का बनाएंगे और जितना इसका पेस्ट ज़्यादा बनाएंगे उतनी जो बिरयानी उतनी मज़े की पकेगी। साथ साथ मैं थोड़ा सा कच्चा भी बिरयानी मसाला डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर से खुशबू आए जब बिरयानी को दम लगे। नाज़रीन जब भी मुझे जल्दी होती है ना तो मैं इसी तरह से करती हूँ। मैं कुकर में सिर्फ चिकन को 2 मिनट का वेट देती हूँ, दूसरी तरफ मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ, 2 चूल्हों पे काम करती हूँ। तकरीबन मेरा दोनों काम जो है ना चिकन पकाने का और चावल पकाने का तकरीबन 15 या 20 मिनट में मुकम्मल हो जाता है, और मेहमान भी जल्दी से फ़ारग हो जाते हैं जितने भी आए हों। और मैं वो नहीं करती कि एक एक चीज़ को ले कर तो थोड़ा थोड़ा बैठ के बनाती रहूँ घंटा। मैं इस तरह से 3-4 तहों में इसको लगाऊंगी, चिकन को भी और ये साथ जो चावल हैं इनको भी और मसाले को भी। जो मेरे पास बिरयानी मसाले का पैकेट था ना वो छोटे वाले मैंने लिया था, तकरीबन 1 kg मेरे पास चावल थे और 1/2 kg चिकन था। देखिए मैंने 1/2 kg के अंदर बिरयानी को तैयार किया है, और मसाला मैंने बहुत ही थिक और बहुत ही स्पाइसी रखा था ताकि जो बिरयानी है बहुत ही मज़े की पके, और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की पकी है।
जैसे ये तहें लग जाएंगी फिर इसको मैं 15 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूंगी और फिर इसको खोलूंगी। एंड पे मैंने ज़रदा कलर डाला है और साथ में मैंने पुदीना और सब्ज़ धनिया जो होता है उसका मैंने इसके ऊपर काट के थोड़ा सा डालना है। ये खूबसूरती के लिए डालते हैं। इसके अलावा इसका जो इसकी खुशबू होती है ना, जब इसको दम लगता है बिरयानी को तो इसकी भी अलग-अलग से बड़ी मज़े की खुशबू आती है पुदीने और धनिए की। ये भी आप ज़रूर डाला करें एंड पे। अब मैं बिरयानी को 15 मिनट का दम दूंगी और फिर खोलूंगी। नाज़रीन 15 मिनट हो चुके थे, देखें कलर बिल्कुल मिक्स हो चुका है मैंने जो डाला था। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ सारी बिरयानी को और खोल के भी किस तरह से इसके कलर अलग-अलग से नज़र आ रहे हैं। देखें नाज़रीन कितनी खूबसूरत और मज़े की वाकई तैयार हो चुकी है। नाज़रीन अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और मेरी रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिए। आज जो मैंने तरीका आपको सिखाया वो बिल्कुल न्यू तरीके से सिखाया था, ताकि बाज़ लोग कहते हैं कि हमें पीसने वगैरह का जो बड़ा मसला होता है कि हम उसको कैसे पीसें, या फिर लोग कच्चा ग्राइंड कर लेते हैं तो कच्चे का और टेस्ट होता है, जब उसको लहसुन प्याज को पका के डालते हैं उसका टेस्ट और होता है, उसको जब फ्राई करके आप उसको पीसेंगे ना उसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का होगा, बजाय कच्चा उसको चॉपर में या ग्राइंडर में डाल के लोग चिकन के अंदर डाल देते हैं फिर वो कच्ची कच्ची सी स्मेल देता है। नाज़रीन देखें कितनी खूबसूरत बिरयानी पक के तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में भी याद रखिएगा।